तो दोस्तों अभी जो आप हमारे सामने यहाँ पे गाड़ी देख रहे हैं ये है टाटा की पंच, जो कि BS6 फेज 2 इंजन के साथ आ गया है और सबसे बड़ा अपडेट इसके इंजन में ही हुआ है। तो इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूँ कि BS6 की फेज 2 इंजन 2023 की OBD2 के साथ जो आई है गाड़ी उसमें चेंजमेंट क्या है वो मैं आज के इस वीडियोज में आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको मैं प्राइस बता दूं कि भाई अगर आप टाटा के पंच को लेना चाहते हैं तो इसका जो बेस मॉडल का प्राइस है ना वो आपको 5.99 लाख यानी 6 लाख से स्टार्ट होती है और 10 पॉइंट समथिंग तक ये इसकी टॉप मॉडल की प्राइस जाती है। इसके अलावा भी आप इसमें रिदम पैक ले सकते हैं, अगर 30-35 हजार रुपए और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो आप रिदम पैक ले सकते हैं। और ये जो गाड़ी है ना ये फुली SUV मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइडिंग देख रहे हैं यही आपको पहचान दिलाती है प्रॉपर SUV की। और भाई नेक्सॉन से थोड़ा सा नीचे, नेक्सॉन से थोड़ा सा नीचे और वो भी कम पैसा में 5 स्टार रेटिंग सेफेस्ट कार आपको मिलेगी और बहुत ही अच्छी कार है। 2 एयरबैग्स के साथ जनरली ये गाड़ी आती है लेकिन फिर भी इसको ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की रेटिंग मिली है। तो वो क्यों मिली है सभी कुछ आज के इस वीडियोस में इस गाड़ी का निचोड़ बताने वाला हूं कि आखिर क्या क्या चेंजमेंट हुआ है 2023 में। तो वीडियोस पे ऐसे ही बने रहिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि 30 हजार सब्सक्राइबर अभी हो गया है तो इसी तरह आप फटाफट इसको 50 हजार में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे फ्रंट सेक्शन से। तो फ्रंट में आप इसकी चौड़ाई देख रहे हो, काफी शानदार इस गाड़ी की चौड़ाई मिलती है जो कि 1742 mm की चौड़ाई मिलेगी। अब 1742 mm से ही आपको समझ में आ रही होगी कि गाड़ी कितनी कंफर्टेबल और काफी बेहतरीन SUV है माना जाता है। इसके पहले भाई बात कर लेते हैं इसके सबसे फ्रंट लाइट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको DRLs मिलेंगे जो कि नॉर्मली में एक लाइट आपको यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में मिलता है, और अगर हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलाइट मिलता है। और ये जो चीज देखो यहाँ पे ये बल्ब कोई ना देख पाए इसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा आगे में जाली लगा दिया है। भाई कंपनी बहुत तेज है, कंपनी यहाँ पे जाली लगा दिया है हैलोजन के लिए। और बाकी फ्रंट में देखेंगे ना तो ग्रिल आपको काफी शानदार ग्लॉसी के फिनिश में और यहाँ पे क्रोम में टाटा का ब्रांडिंग, और यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल आपको यहाँ पे मिलता है क्योंकि भाई यहाँ पे इसका है हॉर्न आपको सिंगल टोन में मिलता है। इसके साथ साथ रेडिएटर ग्रिल जो देख रहे हैं वो भी आपको मैट ब्लैक में मिलेगा, काफी शानदार आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और इसकी प्रोजेक्टर लाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी है वो फुली हैलोजन का सेटअप में मिलता है। हेडलाइट से बात करें, बाकी प्रोजेक्टर की बात करें, ऊपर में कॉर्नर लाइट की बात करें, DRLs की बात कर ले, सभी कुछ इस गाड़ी में आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ क्लाइडिंग, भाई ये चीज तो आप देख ही रहे ना, यहां से देखिए ये जो क्लाइडिंग यहां से स्टार्ट है ये आपको यहां तक जाती है और फिर यहां से स्टार्ट हो गई है ये पूरा, और इसी को बोलते हैं प्रॉपर SUV। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल लेंथ की, तो 3827 mm की, 3827 mm की इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिल जाती है जो कि नेक्सॉन से थोड़ा सा ही कम मिलेगा। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूं ग्राउंड क्लियरेंस की, क्योंकि तो जब SUV कह रहे हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस भी जानना बहुत जरूरी है। तो 187 mm का इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। और व्हील बेस की तो बात हमने की ही नहीं, व्हीलबेस से ही पता चलता है कि इस गाड़ी में इंटीरियर में कितना स्पेस है। इंटीरियर यानी बोले तो इसका जो सेकंड रो का सीट देखे उसमें कितना स्पेस है, बाकी इंटीरियर का सभी कुछ पता चलता है। तो व्हीलबेस इस गाड़ी की आपको मिलेगी 2445, 2445 mm की आपको इस गाड़ी की व्हीलबेस देखने को मिल जाती है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट टायर साइज से। तो फ्रंट का जो टायर साइज देखेंगे वो यहाँ पे देखिए 185/70 R15, ये यहाँ पे थोड़ा सा R15 का भी है, लेकिन अगर इसके टॉप मॉडल में आप जाते हैं तो R16 का भी अलॉय व्हील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपको अलॉय व्हील इस गाड़ी में नहीं मिलता है, नॉर्मल आपको मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क मिलता है और रियर में ड्रम मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जाइएगा ना, अगर इसके टॉप मॉडल में या फिर अलॉय में भी अगर आप चेंजमेंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायमंड कट टाइप का अलॉय लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एंटीना मिलेगा और शार्क फिन एंटीना नहीं, अभी मैं भूल रहा था शार्क फिन एंटीना, लेकिन शार्क फिन एंटीना इस गाड़ी में नहीं है। बाकी फ्रंट्स में 2 वाइपर्स मिलते हैं और ऑटोमेटिक फोल्डेबल आपको यहाँ पे ORVM इस गाड़ी को देखने को मिलाते हैं। बाकी यहाँ पे देखे ना तो आपको A पिलर्स B पिलर्स C पिलर्स सभी मैट में ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए भाई ड्राइवर साइड में कीलेस एंट्री भी मिलता है, लेकिन को ड्राइवर साइड में क्या मिलता है वो भी मैं चलूंगा उस साइड और आपको बताऊंगा। तो यहां से आप एक बार देखिए, जैसे ही गाड़ी का ये जो लाइट पड़ रहा है ना तो यहां से इसका थोड़ा थोड़ा डिजाइनिंग ये देखिए, यहाँ पे देखिए, बाकी थोड़ा वहां पे देखिए, ये जो डिजाइनिंग है ना वो काफी शानदार लुक प्रोवाइड करा देती है। और यहां से देखिए टायर साइज जो है वो आपको 15 इंच के C8 की कंपनी टायर प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो वहां पे आपको 16 इंच के टायर साइज भी देखने को मिलेंगे। बाकी बात करते हैं इस गाड़ी के पीछे से, तो पीछे में वही जो जनरली होता है हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहां मिलेगा। बाकी रियर में देखेंगे तो आपको यही नॉर्मल कुछ मिल जाता है, भाई राइनो
आपको पता है कि टाटा की जितनी भी गाड़ी आती है ना, उसमें ये राइनो का फोटो रहता ही रहता है। ये कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पीछे में बात कर ले तो टाटा का लोगो और रियर में कैमरा मिल जाता है। पंच की ब्रांडिंग और बम्पर्स की अगर बात कर ले तो ये आपको फाइबर बॉडी में मैट ब्लैक कलर के साथ मिलेंगे, और यहाँ पे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। तो बात कर लेते इस गाड़ी की बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको पीछे में 366 लीटर की बूट स्पेस भी मिलती है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये सबसे पहले ये चीज देखेंगे ना, ये जो गेट है वो आपको एज इट इज 90 डिग्री में ओपन हो जाता है, जिससे होगा क्या कि आपके घर में अगर कोई पर्सन फिर ज्यादा एज के हो गए तो उनको गाड़ी में बैठने में काफी कंफर्टेबल फील होता है। और अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, क्योंकि बाहर बाहर की सारी चीजें हमने आपको बता दिया, अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और इंटीरियर में दिखाते हैं कौन कौन से बेस्ट फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री भी मिल जाता है, वो चीज मैंने आपको दिखाया। और जैसे ही गेट को खोलेंगे भाई साहब, यहाँ पे आपको पैडल लैंप भी देखने को मिलेगा इस गाड़ी में, जबकि ये शायद टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। और यहाँ पे इसका जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस चीज में आपको डुअल कलर टोन में मिलता है, व्हाइट में भी मिलेगा और एक नॉर्मल ब्लैक में भी मिलेगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि कहीं ये लेदर फिनिश तो नहीं है, लेकिन वो चीज भी मैं आपको चेकआउट कराऊंगा। तो यहाँ देखिए, ये आपको प्लास्टिक का मिलता है, व्हाइट कलर बेज के साथ मिलेगा। बाकी अनलॉक के पास बात कर ले तो ये आपको नॉर्मल में मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज ना कि हरमन की 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स और 7 इंच के इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलते हैं, और उसमें भाई बहुत बड़ा बड़ा फीचर है, वो की चीज अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑटोमेटिक विंडोज एडजस्टेबल मिलेंगे, यहाँ से आप अपने IRVM को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, जनरली आप देखेंगे ना कि अगर आप टाटा की कोई सी भी गाड़ी में आ जाए तो आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर्स भी मिलता है और अम्ब्रेला होल्डर्स भी दोनों मिलता है, दोनों ही आपको एक साथ मिलेगा। और एक बड़ा सा स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है, और अनलॉक के पास अगर आप देखेंगे तो एक ट्विटर भी आपको यहीं पे मिलेगा। इसके साथ साथ आ जाते हैं इंटीरियर में, लेकिन इंटीरियर से पहले इस गाड़ी का मैं आपको की दिखाना चाहूंगा। तो की देख लीजिए, ये है लॉक अनलॉक लाइट का ऑप्शन, और ये पीछे से बूट का ऑप्शन है। तो बात करते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर में चलते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, ये जो चीज देख रहे हैं ना, इसका जो सीट है, इसकी कुशन भाई काफी शानदार है और आपके बैक को भी काफी ज्यादा सपोर्ट देने वाली है, क्योंकि ये जो चीज देख रहे हैं यहाँ से ना, ये काफी कंफर्टेबल है, आप कितना भी लंबा कर ट्रेवल कर ले कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए हेडरेस्ट, ये भी काफी शानदार। और चलिए इंटीरियर में बैठते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इंटीरियर में जैसे ही बैठेंगे तो सबसे पहले ये जो की है ना, ये आपको नॉर्मली कीलेस एंट्री मिलेगा, और कीलेस एंट्री जैसे ही मिलता है ना, तो इसमें घुसने के बाद ये देखिए भाई कुछ इस टाइप का है। तो चाबी को चलिए रख देते हैं, चाबी को रखने के बाद करते हैं गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप इंजन। ये देख आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये देखिए, ये देखिए आपको काफी बेहतरीन 7 इंच का हरमन का यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे देखिए हरमन का लोगो भी मिलता है। और यहाँ पे MID की अगर मैं बात कर लू ना, तो यहाँ पे टैकोमीटर और स्पीड का जो देख रहे हैं वो एनालॉग में मिलेगा, बाकी ये सारा कुछ आपको डिजिटल में मिलता है। इसके साथ साथ सिटी का माइलेज क्या है, टाइमिंग का ऑप्शन यहाँ पे है, आपको DTS AFE सभी कुछ मिलेगा, ऑडोमीटर आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी चलिए इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, तो ये देखिए एवरेज स्पीड, फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे एवरेज स्पीड, के बाद यहाँ पे रिफ्यूलिंग का ऑप्शन आ गया, इसके बाद टाइमिंग का ऑप्शन आ गया, फिर टाइमिंग के बाद यहाँ पे देखिए काफी बेहतरीन बेहतरीन फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सभी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के थ्रू IRA भी मिलता है। अब वो IRA क्या होता है कि व्हीकल इंफॉर्मेशन, व्हीकल डेटा, सर्विस ड्यू रिमाइंडर्स, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अपने गाड़ी से रिगार्डिंग मिलेगी कि क्या क्या चेंजमेंट है, इन फ्यूचर क्या चेंजमेंट कराना चाहिए, सभी कुछ मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये जो म्यूजिक सिस्टम है ना, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले दोनों ही मिल जाते हैं। इफिशियंस, ड्राइविंग, सेफ्टी, ये सभी कुछ आपको मिल जाते हैं। और इसको आप यहाँ से कनेक्ट करते हैं ना, तो ये देखिए एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वॉच, 3 वॉट्स, रेडियो, USB, वॉइस कमांड। आप जनरली इसके वॉइस कमांड से भी पूरा गाड़ी को हैंडल कर सकते हैं। ऑडियो सेटअप, ब्लूटूथ, कॉन्टेक्ट, ड्राइव नेक्स्ट, टोडल, फैब्रिक, बहुत सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। पार्क असिस्ट भी इवन मिलता है, फोन सेटअप, साउंड डेमो, बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। और इसको एक बार रिवर्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ऐसी गाड़ी को रिवर्स किया ना, तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये भी काफी शानदार आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। मतलब भाई साहब, पीछे जो बंदा बैठा है ना, उसको पता चलेगा ना कि आपका जो गैपिंग है ना, आप अगर किस डायरेक्शन में गाड़ी को लेकर जाना चाहते हैं, वो चीज यहाँ से ये देख रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आपका जो गाड़ी है वो इतना ही एंगल तक जाएगा। तो ये चीज है, कैमरा का काफी वाइड एंगल में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये देखिए AC vents आपको नॉर्मल में ही मिल जाते हैं। और इसके बाद भाई फिनिशिंग, ये देखो
काफी शानदार फिनिशिंग मिलता है। हजार्ड लाइट के ऑप्शन आपको यहाँ से ये देखिए टक 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 कर रहा है, यहाँ देखिए टक 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 कर रहा है, ये आपको इसके हजार्ड लाइट के ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पे आप ग्लो बॉक्स को ही एक बार चेक कर लो ना, ये देखो भाई लाइट भी है, लाइट भी है और कूल वाला ग्लो बॉक्स भी है। और ग्लो बॉक्स के अलावा यहाँ पे आपको लैपटॉप रखने के लिए भी जगह मिलेगा। ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे आप अपने लैपटॉप को भी आसानी से रख सकते हैं। तो ये हो गए इस गाड़ी के भाई, मतलब ये टाटा पंच कहने को टाटा पंच छोटा है लेकिन इसमें स्पेस बहुत मिलते हैं आपको। यहाँ पे ट्विटर्स देख रहे होंगे, दोनों साइड आपको ट्विटर्स देखने को मिलेगा। बाकी IRVM की बात करें तो आपको नॉर्मल में IRVM डे नाइट रनिंग, IRVM मैनुअल में मिलता है। यहाँ पे आपको एक लाइट का ऑप्शन मिलेगा, माइक मिलेगा। बाकी यहाँ से ये देखे ना तो इसमें आपको नॉर्मली मिरर ही मिलता है वैनिटी में। बाकी इस साइड पे आ जाए तो एक टिकट होल्डर मिलता है आपको, बाकी कुछ नहीं। एक ग्रैब हैंडल आपको वहां पे मिलेगा। बाकी इस साइड से अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए नॉर्मल एक ट्विटर्स मिल जाता है। बाकी व्हाइट कलर के फिनिशिंग में ये मिलेगा। और यहाँ पे 5-speed गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी मिलती है। और ये जो एसी का देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि ये सारा ऑटोमेटिक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये गाड़ी में मैनुअल ही मिलता है। इसके साथ साथ USB चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा यहाँ पे, और कुछ सामान रखने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। इसके साथ साथ भाई स्पेस का कमी नहीं है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी मिलेंगे, हैंड ब्रेक का भी ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे भी स्पेस मिलेगा, बहुत सारा स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलता है। इसके साथ साथ आप एक बार गाड़ी की आवाज सुनो, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप एक बार गाड़ी की आवाज सुनो। आवाज पता चल रहा है? एकदम नहीं पता चल रहा, BS6 में इसको रिफाइन कर दिया है। एक बार थोड़ा सा एग्जॉस्ट को बढ़ाते हैं, ये देखिए, ये देखिए IRV इसका, ये देखिए RPM, थोड़ा थोड़ा भाई थोड़ा थोड़ा आवाज में पता चल रहा है। बाकी यहाँ पे बात कर ले तो एक AC ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, स्टार्ट ऑप्शन मिलेंगे और बाकी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से आप इसके बोनट को ऑन कर लेते हैं। बाकी अब चलिए चलते हैं इसके मिडिल रो सीट पे, बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सीट की। तो ये देखिए आप ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये चीज इस गाड़ी में प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ आ जाते हैं इसके सेकेंड रो सीट पे। तो सेकेंड रो सीट पे ओपन करने के लिए आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं कि नॉर्मल आपको व्हाइट कलर के साथ मिलेगा, डुअल कलर टोन में ट्विटर्स मिलता है, बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, स्पीकर्स मिलते हैं। भाई साहब 2 स्पीकर इस गेट पे, 2 स्पीकर उस गेट पे, 4 स्पीकर आपको यहीं पे होगा, बाकी ट्विटर्स आपको दोनों साइड मिल जाएंगे। इस साइड से देखेंगे तो काफी स्पेशियस मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल भी देखने को मिलता है। और ये देखिए लेगरूम की अगर बात कर ले तो लेगरूम भी काफी सही है भाई, टाटा पंच का व्हील बेस भी काफी सही है। और यहाँ पे कोई AC विंड्स नहीं मिलता है और न ही कोई आपको यहाँ पे USB चार्जिंग के सॉकेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे सेकेंड रो सीट के बारे में। अब चलिए चलते हैं इसके बूट स्पेस को ओपन करते हैं। बूट स्पेस को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए हाइड्रोलिक बूट स्पेस ओपन होता है और 366 लीटर की इस बूट स्पेस की कैपेसिटी मिलेगी। पार्सल ट्रे यहाँ पे मिल जाता है। और यहीं पे बात करें स्पेयर व्हील्स की ना, तो आपको एक नीचे में स्पेयर व्हील्स भी यहाँ पे देख रहे होंगे, एक स्पेयर व्हील्स भी 15 इंच का शायद आपको मिलेगा। इसके साथ साथ इसकी लाइटिंग की मैं बात कर लूँ पीछे से, तो यहाँ पे देखिए टाटा का ब्रांडिंग ये दिख रहा है छोटा सा, यहाँ भी टाटा का ब्रांडिंग। भाई टाटा का ब्रांडिंग है ना, जैसे सेम एज इट इज महिंद्रा थार के जैसा। महिंद्रा थार में आप देखेंगे ना कि महिंद्रा महिंद्रा बहुत जगह लिखा हुआ है, तो सेम उसी तरह आपको यहाँ पे टाटा का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ लाइट आपको इस टाइप से मिलेंगे। और वही बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की, तो 37 लीटर की फ्यूल टैंक की आपको कैपेसिटी इस गाड़ी में मिलेगी। और ये जो इसका बूट स्पेस है ये फुली हाइड्रोलिक है, आप यहाँ से काफी एडजस्टेबल। और ये जो लाइट देख रहे ना, ये आपको LED में इसका लाइट देखने को मिल जाता है। और आपको मैं सबसे पहले बताया था ना कि इसका जो इंजन है उसमें BS6 का Phase 2 OBD वाला जो इंजन है, इसमें कुछ चेंजमेंट है। तो पहले वाले में क्या था और अभी वाले में क्या चेंजमेंट है, तो वो एकदम माइनर माइनर चेंजमेंट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे या फिर गाड़ी में बैठेंगे तो आपको फील मिलेगा। तो वो क्या फील है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 1.2 लीटर की 3 सिलेंडर में इस गाड़ी की इंजन आती है, जो की मैक्सिमम पावर की बात करें तो 85 BHP की मैक्सिमम पावर है और 113 Nm की मैक्सिमम टॉर्क है। लेकिन अब जो BS6 की Phase 2 इंजन आई है ना, उसमें आपको 3 सिलेंडर के साथ ही मिलता है, 1.2 लीटर इंजन मिलता है, लेकिन पावर जो है ना वो थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया है, 1 PS का, यानी 86 PS का पावर हो गया है। और टॉर्क की बात कर ले तो 115 Nm के आसपास टॉर्क भी हो गया। अब BS6 का Phase 2 इंजन में बहुत सारे बोल रहे कि क्या चेंजमेंट है, तो भाई आपका माइलेज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ेगा। अब थोड़ा सा बढ़ने का मतलब कि आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे गाड़ी को चलाते हो, तो आपका माइलेज बढ़ेगा। तो ये चीज हो गई। बाकी मैं बात कर लेता हूं इस गाड़ी की टर्निंग रेडियस की, तो काफी बेहतरीन 5 मीटर की टर्निंग रेडियस, मतलब कम से कम जगह में भी आप गाड़ी को आसानी से मुड़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ बात कर लेना, इंडिया में पर मंथ इस गाड़ी की जो सेलिंग है ना वो 11,500 से भी ऊपर होती है। मतलब एक मैं एवरेज डेटा आपको बता रहा हूँ कि हर महीने इंडिया में इस गाड़ी की जो सेलिंग है ना 11,500 रुपए है, और नेक्सॉन से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि मैं बार बार कंपेयर कर रहा हूँ नेक्सॉन से, क्योंकि कहीं ना कहीं
मेरे को ये दिख रहा है ना कि नेक्सॉन से ये छोटा है, बस थोड़ा छोटा है, ज्यादा कोई छोटा नहीं है। बाकी अंदर में फीचर्स भी आपको मैंने बताया, काफी बेहतरीन फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गई भाई इस गाड़ी की कुछ फीचर्स। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। ऑन रोड प्राइस की फिर से मैं बात कर लूँ तो झारखंड में इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है ना वो 5,99,000 से स्टार्ट होती है और टॉप मॉडल की प्राइस आपको 10,30,000 से 35,000 तक की एक्स शोरूम प्राइस जाती है। बाकी आपको अपने सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपके सिटी में इस गाड़ी का क्या प्राइस है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी को अगर आप खरीदते हैं तो कम से कम कितना डाउन पेमेंट देना होगा, मंथली ईएमआई क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी कुछ मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।